रानी परी कहाँ है बालवीर? पता नहीं ये दोनों बालवीर है कहाँ। हाँ और अभी तो क्रिसमस भी शुरू होने वाली है। अब जब तक सेंटा क्लॉज की पावर्स उनके पास वापस नहीं आ जाती ये होश में नहीं आएंगे। पता नहीं सेंटा है कहाँ। मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि आज दुनिया के सारे बच्चे क्रिसमस मना सकेंगे, कि इस बात का दुख मनाऊं कि उनके सुपर हीरो उनसे दूर चले गए हैं। आपसे किसने कहा कि हम दूर चले गए? हम कहीं पर नहीं गए हैं सेंटा क्लॉज। हाँ हम तो यही हैं आपके पास, जूनियर और सीनियर बालवीर कॉम्बो पैक। बालवीर, माय चिल्ड्रन, तुम वापस कैसे आ गए? सेंटा क्लॉज, हम क्यों, कब और कहां से आए ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी क्रिसमस के तोहफों को बांटने का समय निकलता जा रहा है। हाँ और आपको बच्चों के विशेष वाले गिफ्ट भी तो देना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए भी सेट नहीं रहूंगा, चलो। बहुत खुश हूँ, अब सब ठीक हो गया और भारत नगर के बच्चों का जो क्रिसमस ट्री जल गया था वो भी अब ठीक हो जाएगा। सैंटा क्लॉज, अब आपका वो फेवरेट सॉन्ग गाने का टाइम आ गया है। यस माय चाइल्ड, यस। ये तो सैंटा की हॉर्न पाइप की आवाज है। रात हो रही है, माँ कितना गुस्सा करेगी। नहीं लग रहा, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे 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 सवाल क्या है? बाय अलविदा। हो हो हो, अब मैं तैयार हूँ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एम पूरा करने के लिए, बच्चों को गिफ्ट बांटना और उनकी विश पूरी करना। हो, हो, हो। आरोही, आरव, तुम दोनों ने बहुत क्रेज दिखाई है। थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत? आपको तो पता ही है
कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। बच्चों, अरे किस बात का वेट कर रहे हो, आओ आ जाओ। हम क्यों? अरे समय बहुत कम है, इतने सारे गिफ्ट बांटने हैं। आई नीड हेल्प। नो प्रॉब्लम सांता, हम हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। बच्चों को गिफ्ट बांटना उतना मुश्किल नहीं है जितना बच्चों के मुंह पर स्माइल लाना है। और विवान, थैंक यू क्रिसमस के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करने दिया। मेंशन नॉट अरब। मेंशन नॉट, तो फिर मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना? एज यू विश। पर बालवीर को थैंक यू बोलना तो बनता है। सराहना तो मुझे करनी चाहिए तुम दोनों की निडरता और साहस की। जब तक आप हैं, तब तक किसी भी बच्चे को किसी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सीनियर और जूनियर बालवीर। बच्चों, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सांता। बच्चों, अब सूर्योदय का समय हो चुका है, अब तो तुम दोनों को अपने घर जाना चाहिए। वैसे तो मन नहीं कर रहा, लेकिन माँ से ज्यादा देर दूर भी तो नहीं रह सकते ना। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय बच्चों। बाय बाय। माँ, आपने इन बच्चों को यहाँ से भेजने से पहले उनकी याददाश्त मिटा दी थी ना? हाँ, वरना कल दोपहर तक तो आरोही के मुंह से पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो सांता क्लॉस के साथ थी और नॉर्थ पोल टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। चिंता मत करो बालवीर, जब दोनों नींद से जागेंगे तब उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ये रहा तुम दोनों का गेम। थैंक यू सांता क्लॉस। धन्यवाद सांता। वैसे सांता क्लॉस, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हो हो हो, तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। अरे डुबड़ बो। मुझे गिफ्ट? लेकिन मैं तो बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारा दिल तो बच्चों जैसा है। तो अगली मीटिंग होगी नेक्स्ट क्रिसमस। बाय बाय बच्चों। बाय बाय। भैया, आखिरकार हमें क्रिसमस की छुट्टी मिली ही नहीं। लेकिन विवान, हमें क्रिसमस की छुट्टी नहीं मिले लेकिन क्रिसमस का मजा तो मिल ही गया। वो तो है भैया, मजा बहुत आया, लेकिन थकान की वजह से मेरी एनर्जी पंचर हो चुकी है, अब तो मैं पूरे दो दिन सोऊंगा। विवान, तुम्हें नींद आ रही है लेकिन तुम्हारा काम देखकर आज मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा। आज तुमने पूरे दुनिया के हर बच्चे की दिल को टूटने से बचा लिया, बहुत अच्छी। थैंक यू भैया, बट इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट आपको भी चाहता है, क्योंकि आप सिर्फ मेरे फ्रेंड और मेरे भैया ही नहीं हो, आप मेरे गुरु भी हो।
वैसे भैया अब तो मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मैं बिना शक्तियों के भी कई सारे एडवेंचर्स को चुटकियों में निपटा सकता हूँ। ओ फिर तो मैं शौर्य और बालपरी से बात करता हूँ और वो तुम्हारी शक्तियां वापस ले लेंगे। अब इतने अनुभवी जो हो चुके हो तो है ना। ओके भैया गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस। गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस जूनियर। भैया फिर से वो आरोही भी मुझे जूनियर ही बोल रही थी। ठीक है मैं उसे बुलाने देता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। अरे नहीं नहीं भैया आप मुझे जूनियर बोल सकते हो लेकिन वो नहीं। ठीक है इस बार सांता क्लॉज ने सिर्फ मेरे लिए नहीं मम्मी के लिए भी गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सांता क्लॉज, थैंक यू बालवीर। चिंटी क्या तुझे भी वही सपना आ रहा है जो मुझे आ रहा है? भैया जो आपको सपना आ रहा है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे जो सपना आ रहा है वो एकदम बड़े से बर्गर की टेस्टी स्मेल आ रही है। एक काम कर वो मेरे लिए ले आना। ये मुर्गा सुबह सुबह उठ के बांग लगाऊंगी। चिंटू भैया हमारी क्रिसमस गिफ्ट। अरे वाह मेरे विंटर बियर। थैंक यू सेंटा। थैंक यू सो मच। मम्मी जल्दी नीचे आइए। अरे अरे खुशी क्या बात है क्या हुआ? मम्मी ये देखिए आटा गूंदने वाली मशीन जो मैंने सैंटा से मांगी थी आपके लिए अब आपके हाथ बिल्कुल दर्द नहीं होंगे। ये लीजिए। ओह ये तो बहुत अच्छी है। और माँ मैंने आपके लिए ये ओवन मांगा था। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। बहुत अच्छा है ये। और माँ मैंने आपके लिए सेंटा से मंगाई थी ये साड़ी। लीजिए लीजिए। अरे बस भी करो अब तुम लोग रुलाओगे क्या मुझे? बहुत अच्छी है सब गिफ्ट्स। हाँ तो इसीलिए हम तीनों की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। तुम लोगों को भी मैरी क्रिसमस। अच्छा एक बात बताओ मिस्टर संता किधर है दिखाई नहीं दे रहे? वो तो माँ गए अपने गांव गए आराम से पहुंच गए वो। अच्छा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो 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 चलो। मेरा क्रिसमस गिफ्ट। ये देख टिंकू और मेरा टेडी बेयर। ये देखो मेरी डॉल। वाओ सांता क्लॉज ने सबको गिफ्ट दिया और मुझे नहीं। मोंडू भैया उसके लिए आपको बाकी बच्चों को तंग करना बंद करना होगा। कर पाओगे? हाँ तो फिर अपने पीछे देखिए। थैंक यू सांता क्लॉज। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं साल के कोई भी एक दिन कोई भी प्रैंक नहीं करूंगा। सिर्फ एक दिन के लिए? हाँ सांता क्लॉज ने गिफ्ट भी एक ही दिन दिया है ना। We wish you all a merry Christmas. बहुत खूब तुम दोनों ने सांता क्लॉज की मदद करके संसार के सभी बच्चों के चेहरों पर क्रिसमस पर्व की खुशियां बिखेरी हैं। यह वर्ष पूरे संसार के लिए कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ था। आशा करता हूं इस वर्ष के अंत में ऐसा कुछ ना हो और आने वाला वर्ष खुशमय हो। हाँ शॉर्ट आप चिंता मत कीजिए मुझे पूरा विश्वास है इस वर्ष का अंत भी सुखमय होगा और आने वाला वर्ष भी खुशियों से भरा होगा। हाँ और मैं भी यही प्रे करूंगा कि अगला साल हम सबके लिए हैप्पी हो
और सीनियर और जूनियर बलवीर की लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। मुंबई तो समुद्र के पास बसा हुआ शहर है। कहीं समुद्र में कोई भूकंप तो नहीं है जिसकी वजह से मुंबई में कोई खतरा आने वाला। मुझे भारत नगर के सभी लोगों को सतर्क करना होगा। अच्छा खुशी दीदी ध्वनि, ये सब रेडी हो जाए ना तो फिर स्टेज पे रख देना, ओके? यहाँ तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। विवान, भैया, तो भैया विवान, अब भैया आई नो आप यही कहने वाले हो ना कि आप भी मेरी तरह ईयर 2021 को वेलकम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, है ना? विवान तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर झटके नहीं महसूस हुए। क्या हुआ भैया, किस सोच में डूब गए आप? कुछ नहीं विवान, मैं तो ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया इस बार कितना एक्साइटेड है 2020 को बाय बाय और 2021 को वेलकम करने के लिए। तो भैया इसीलिए हमने एक स्पेशल डीजे सेटअप मंगवाया है, तो आज तुम जमकर पार्टी करेंगे। वाह वाह वेरी गुड, जाओ। अरे क्रिसमस में इतने तनाव के बाद विवान को थोड़ा आराम और मजा मिलना चाहिए, इसलिए मुझे खुद ही इन झटकों के बारे में पता लगाना होगा। मोटा हाथी बोल रहा था तू, मोटा हाथी, हाथी तो मोटा ही होता है ना रिंकू। आज तू नहीं बचेगा रिंकू, और जो भी आगे आएगा वो भी नहीं बचेगा। रिंकू को छोड़ दो वरना याद रखना यूपी के वासी होते हैं बड़े सासी। माना कि तुम यूपी वाले हो लेकिन ये मत भूलो कि ये मुंबई है। अरे रुको 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 रुको, अरे इसको नीचे उतार दो। अरे डियर चिंटू, क्या सीन है मेरे भाई, तूने रिंकू को क्यों पकड़ा है? प्लीज इसे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। अच्छा कर लूं? हाँ कर ले, लेकिन गुदगुदी छोड़ के। तू तू ठीक तो है ना? वैसे आरोही ये दोनों झगड़ा किस बात पे कर रहे थे? मुझे क्या पता, मैं तो अपने दोस्त को देख के कूद पड़ी फाइट में। दैट इज सो यू। अच्छा खुशी दीदी, हाँ बताइए ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे? विवान, किसी भी फंक्शन या फिर पार्टी में तेरा परफॉर्मेंस हमेशा लास्ट में होता है क्योंकि तू भारत नगर का सबसे बेस्ट डांसर है। रियली विवान? यस, भारत नगर के पेड़ पत्ते भी जानते हैं कि नोबडी कैन ग्रुप लाइक विवान। लेकिन विवान, चिंटू चिंटी कह रहे थे इस बार तुम लास्ट डांस परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। आउच। क्यों चिंटू, तुम मुझे डांस चैलेंज देने वाले हो क्या? भैया चैलेंज नहीं देंगे तुम्हें, तुम्हें चैलेंज ये देगी।
सरप्राइज। हेलो, ये है हमारी कजन जिया और न्यू ईयर पार्टी में लास्ट परफॉर्मेंस जिया का ही होगा। बोला था ना, लास्ट डांस परफॉर्मेंस उसी का होता जो भारत नगर का स्टार डांसर होता। तो चलो डिसाइड कर लेते कि भारत नगर का स्टार डांसर कौन है। कैसे? मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगी और अगर तुम वो चैलेंज जीते तो लास्ट परफॉर्मेंस तुम्हारी, और अगर मैं जीती तो लास्ट परफॉर्मेंस। आई एक्सेप्ट। विवान पहले चैलेंज तो पूछ लो। खुद तो बिना पूछे फाइट पे जम कर जाती हूँ और मुझे चैलेंज पूछने को कह रही हो। अच्छा ठीक है, बताओ चैलेंज क्या है। मैं इस हैट के साथ डांस करूंगी और म्यूजिक खत्म होने से पहले अगर तुम ये हैट मुझसे ले सके then you will win, और अगर नहीं ले पाए तो तुम लूजर और हम विनर। सो क्या बोलते हो? Bring it on. So, let's start. Yay! अब सब क्लियर हो गए कि भारत नगर का असली स्टार डांसर कौन है? जिया! 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 जिया, तुम सिर्फ डांस करके ये कैसे कह सकती हो कि तुम भारत नगर की स्टार डांसर हो? पहले तुम्हें मेरा डांस भी तो देखना पड़ेगा ना। शो मी। ना ना ना, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो ये हैट वाले ट्रिक दिखाऊंगा। अगर स्टार डांसर डिसाइड करना है तो वो तो डांस फ्लोर पे डिसाइड होगा। यू मीन स्टेज पे, सबके सामने? यस, आज रात की न्यू ईयर पार्टी में हम दोनों के बीच एक डांस कॉम्पिटिशन होगा और पब्लिक वोटिंग के जरिए ये डिसाइड कर पाएगी कि स्टार कौन है और फ्लॉप स्टार कौन। वाओ, क्लैप फॉर विवान। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन क्यों ना चैलेंज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और इंटरेस्टिंग कैसे? अगर विवान हार गया तो उसकी पूरी पलटे। पूरी लाइफ चिंटू और चिंटी की सर्वेंट बन के रहेंगे। ओए गुजिया, कैसी शर्ट रखी है तुमने? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मायसेल्फ आरुहि फ्रॉम यूपी। अच्छा 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 अच्छा, लिसन, आरुहि फ्रॉम यूपी, अगर दोबारा मुझे गुजिया बुलाया ना तो तुम्हारा वो हाल करोगी पूरे लखनऊ में लाइफ टाइम भजिया तलोगी। तू मुझसे भजिया तलवाएगी? मैं अभी तेरा भट्टा बनाती हूँ बढ़िया। मार उसको, उसको मार, पकड़ पकड़ पकड़, उसकी बाल खींच, चोटी निकाल दे उसकी, मार 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 उसको, मार उसे, अरे खींच, मार, अरे एक से मार मार क्या, अरे अरे रुको रुको रुको, अरे इसमें लड़ने की क्या बात है? हरोई, मुझे जिया की शर्त मंजूर है। क्या? अरे रिलैक्स टीम, ये भी तो सोचो कि अगर मैं जीत गया। क्या? हाँ, सो अगर मैं जीत गया तो चिंटू और चिंटी को हमेशा के लिए तुम लोगों का सर्वेंट बनना पड़ेगा। सो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। What?
Here it is. अरे ये कहाँ लेकर आए तुम हमें? यहाँ यहाँ छुपने वाले हो तुम मार भी देते? कई सेंचुरी से भारत नगर के नीचे एक स्लीपिंग वोल्केनो था, जो कि आज एक्टिवेट हुआ है। लेकिन अगर ये ज्वालामुखी जाग गया है, तो इसमें से लावा क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इस वोल्केनो के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है, और अगर हम इस चट्टान को तोड़ दें, तो ये वोल्केनो ब्लास्ट होगा, और इसका लावा पूरे भारत नगर के साथ साथ दोनों बालवीर को भी मेल्ट कर देगा। है? निकाल कर तुम लावा? जीत का कर रहे हो दावा? वाह वाह भाई वाह वाह, ताली दो ताली। ज्वालामुखी के ऊपर एक कवच बनाया है, जिससे वो चट्टाने टूटने की आवाज बालवीर और परियों तक ना पहुंचे। वाह वाह क्या सोच है। हाथ ये वाला नोट कर। मैं तो कहती हूँ हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन है कि हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। हे गाइस, ये तुम लोग लैपटॉप पे क्या सर्च कर रहे हो? मेरे डांस के लिए कोई म्यूजिक ढूंढ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम तुम्हें कौन से पागल खाने भेजे। अच्छा अच्छा, क्या ये तुम लोग मेरी किस टाइप की फिरकी ले रहे हो? फिरकी तो तुमने हमारी ले ली है विवान। तुमने हमसे बिना डिस्कस करे जिया से इतनी बड़ी शर्त लगा ली। अब इसमें डिस्कस क्या करना, डांस कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा ना। रियली तुझे लगता है तू डांस कॉम्पिटिशन जीतेगा? तूने देखा नहीं विमान, जिया तुझसे 100 times बेटर डांस करती है। हाँ अब अरे फिकर नॉट विमान के बल्टन, मैं सब संभाल लूंगा। सॉरी विमान, लेकिन जब डक और पीकॉक का डांस कंपटीशन होता है ना, तो कोई भी गेस कर सकता है कि कौन जीतेगा। रिंकू तुम मुझे डक बोल रहा है? डक नहीं, तुम तो मुझे डोंकी लगते हो। और वैसे एक बात बताओ, तुमने हम सबके बदले बैट कैसे लगा दी? हाँ विमान, तुझे पता है ना कि अगर तू ये बैट हारा तो हमें लाइफ लॉन्ग चिंटू और चिंटी के स्लेव्स बनकर रहना होगा। इसे छोड़ो, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ ये अभी भी बेटर है। इनमें से किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। ज्वाला परी, हाँ बस क्यों रहे हो? क्योंकि अब कछुए और मोरनी के बीच में नृत्य प्रतियोगिता होगी, तो मोरनी ही जीतेगी ना। वो रिंकू मुझे डक बुला रहा था और आप मुझे कछुआ। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे जिया से हारने की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी रियल चिंता ये है कि अगर मैं हार गया तो मेरी बल्टन को चिंटू और चिंडी का अत्याचार झेलना पड़ेगा। ये तो तुम्हें शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन अब तो मैं शर्त लगा चुका हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी पलटन को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। इनकी रक्षा कैसे करोगे तुम? क्योंकि तुम अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग तो नहीं कर सकते, वरना बाल परी से डांट पड़ेगी। मैं अपने लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप तो मेरे लिए जादू का प्रयोग कर सकते हैं ना। मैं? यस, क्योंकि बाल परी ने हमें किसी पर्सनल काम के लिए मैजिक यूज करने से मना किया था, लेकिन किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए थोड़ी ना मना किया था।
है चुलबुल बुलबुले शीशी। इसे तुम जूते पे लगाओगे तो ऐसा नाचोगे कि तुम्हें देखकर सब दंग रह जाएंगे। वाह, थैंक यू ट्वेलबरी। अब नहीं, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ये क्या है ज्वाला भरी, इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। वाह, सो अमेजिंग। लेकिन ज्वाला भरी, ये जूते रुकेंगे कैसे? ओके, समझ गया। यानी कि फर्स्ट विसल पे डांस ऑन और सेकंड विसल पे डांस गॉन। लेकिन विवान, तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होगी। शीशी को एक बार खोलने से एक ही बुलबुला बाहर निकलेगा। अब इसमें सिर्फ चार बुलबुले बचे हैं। इसका अब तुम ध्यान से प्रयोग करना। यस, अब तो मुझे डांस कॉम्पिटिशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो लगता है हमें दूसरी कंट्री का वीजा मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुंबई में रहेंगे तो चिंटू चिंटी बहुत सेवा करवाएंगे। कंट्री छोड़ने से अच्छा हमें प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, फिर हम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर चिंटू चिंटी हमें टच भी नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी आरोही, हम वैसे भी लूजर को टच नहीं करते। ए, उठ। आ रहा हूँ ना। इधर बैठ, उधर उधर, ओ रिंगू डिंगू, उधर जा। रिंगू है वो। अब बैठ बैठ। क्यों? सुतली, तुझे सैंडविच बनाना तो आता है ना? और रिंकू, तू भी हाथ पैर दबाना सीख जा। लेकिन चिंटू, मुझे गला दबाना ना बहुत अच्छे से आता है। दिखाओ क्या? फिलहाल अपने गले का नाप दे दो, ताकि हम तुम्हारी स्पेशल सर्वेंट की कॉस्ट्यूम बनवा सके। ना 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 चिंटू चिंटू, रिजल्ट के पहले ही मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। पहले मेरा डांस का सैंपल तो देख लो। चिंटी, लगता है हारने के डर से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। पहले मेरे डांस स्टेप्स देख लो, उसके बाद फ्यूज तो तुम्हारे सपनों का उड़ेगा। रिंकू, म्यूजिक सिलेक्ट कर। ठीक है। रेडी क्या? हाँ? अरे कोई सीटी तो बजा दो पहले। देखो, अब इसे सीटी भी चाहिए। ठीक है, बजा ले। विवान, खुशी। हाँ मम्मी। हाँ माँ। हाँ, मैं जरा मार्केट होकर आ रही हूँ, तुम लोग प्लीज शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ। मैं आती हूँ। लगी नहीं ना? हाँ
ठीक हो आप? ओ दादाजी, इतने ओल्ड एज में मार्केट घूमने निकल गए, आपके कारण बाइक का मिरर टूट गया। अरे आपकी तो मोटर बाइक का सिर्फ मिरर टूटा है ना, मेरी हड्डी बड्डी टूट जाती तो? टूटी तो नहीं, चल रिपेयरिंग का पैसा निकाल निकाल। अरे अरे बोली नहीं, सुनिए आप तो बड़े बेशरम है। एक तो उल्टी साइड से आप गाड़ी ला रहे हैं अपनी और हमसे हर जाना मांग रहे हैं। अरे बाबा क्यों इतना गर्दी करके रखा है, चलो हटो पीछे, अपना अपना काम करो चलो। इस डांस ने तो मुझे थका ही दिया, थोड़ा जूस पी लेता। ज्वाला परी आप? विवान, चुलबुल बुलबुले की शीशी कहाँ है? क्यों क्या हुआ? क्योंकि करुणा जी बीच बाजार में नाच रही है। क्या? अरे भाई साहब आपको लगी तो नहीं ना? सॉरी तो मैं बोलता हूँ दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ डांसिंग बॉडी गार्ड है, मैंने गलत पंगा ले लिया। मैं आपको आपके टूटे हुए आईने के पैसे दे देता हूँ। अरे पैसे तो मैं आपको देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ए चला रे चला, गर्दी कमी करे चला। ए चल रिक्शा उड़े गए। चलिए माँ हम घर चलते हैं। पालवी, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि परी, हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है। अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारत नगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। ये प्रमाण है इस बात का कि भारत नगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ चलिए। ध्वनिपरी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। पालवीर अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।